हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए हमेशा की तरह बेहतरीन फिल्मों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें आपको सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर और कॉमेडी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इन फिल्मों को देखने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। अमीरों से पैसे चुराना कोई गलत काम नहीं। नंबर 6, मूसा गल्लू। मूसा गल्लू 2021 में आई तेलुगु और इंग्लिश भाषा की टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जिसे विष्णु मंचू द्वारा लिखित और जेफरी जी चिन द्वारा निर्देशित किया गया है। इस फिल्म को हिंदी में अनु एंड अर्जुन नाम से रिलीज किया गया है। इस फिल्म में आपको विष्णु मंचू, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 56% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जो भारतीय IT उद्योग को हिला कर रख देने वाली $380 मिलियन की ठगी करने वाली घटना की कहानी है। एक गरीब परिवार में जन्मे अनु और अर्जुन अपने दोस्त सीट के साथ आसानी से पैसा कमाने का योजना बनाते हैं। वे एक अमीर आदमी विजय के साथ मिलकर एक कॉल सेंटर चलाते हैं और अमरीकी करदाताओं से लाखों डॉलर लूटते हैं। इन ठगों को पकड़ने के लिए अजीत कुमार सिंह को नियुक्त किया जाता है। अब क्या अजीत कुमार उन ठगों को पकड़ पाता है? अमरीकी करदाता उनको पकड़ने के लिए क्या क्या योजना बनाते हैं, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक अच्छी फिल्म है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस फिल्म को आप MX प्लेयर पर आसानी से देख सकते हो। शेर और लकड़बग्घे की सीधी लड़ाई में शेर जीत सकता है। नंबर 5, रायन। रायन 2024 में आई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन धनुष ने किया है। इस फिल्म में आपको धनुष, सुदीप किशन, कालिदास जयराम, SJ सूर्या जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 87% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो कथाव रायन अपने भाइयों के साथ मिलकर फास्ट फूड का स्टोर चलाता है। मुथुवेल रायन कथाव रायन का छोटा भाई है, जो एक शराबी और आवारा लड़का है, जो हमेशा मारपीट करते रहता है। कथाव रायन अपने भाई बहन को बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आता है, जब एक झगड़े के दौरान मुथुवेल रायन दुरई, जो एक गैंगस्टर है, उसके बेटे को मार देता है। दुरई कथाव रायन को अपने भाई को सौंपने के लिए कहता है। अब एक साधारण सा आदमी कथाव रायन अपने भाई को उस गैंगस्टर से कैसे बचाता है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक एक्शन से भरी फिल्म है, जिसमें आपको धनुष का दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगा। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हो। डिवोर्स करेगी, जाने दे बेटा, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना चाहिए औरतों को, हर रिश्ता। नंबर 4, थप्पड़। थप्पड़ 2020 में हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। इस फिल्म में तापसी पन्नू ने मुख्य रूप से अभिनय किया है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 73% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो अमृता और विक्रम एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा है। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आता है, जब एक पार्टी के दौरान विक्रम अमृता को थप्पड़ मार देता है। इस थप्पड़ के बाद अमृता अंदर से टूट जाती है और वह अब विक्रम से तलाक लेना चाहती है। सब अमृता को समझाते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है, पति पत्नी के बीच ये सब तो चलते रहता है। लेकिन अमृता अपने जीत पर अड़े रहती है। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक अच्छी फिल्म है, जिसे आपको एक बार जरूर इंजॉय करना चाहिए। इस फिल्म को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हो। बचपन में ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आप ही ने सिखाया था ना। नंबर 3, इंडियन 2। इंडियन 2 2024 में आई तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एस शंकर ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म 1996 में आई इंडियन फिल्म का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म में आपको कमल हसन, रकुलप्रीत सिंह, सिद्धार्थ, SJ सूर्या जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 67% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो चित्र अरविंदन अपने दोस्तों के साथ बार्किंग डॉग नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आता है, जब एक लड़की भ्रष्ट अधिकारी के घूस मांगने के कारण आत्महत्या कर लेती है। चित्र अपने दोस्तों के साथ कम बैक इंडियन नाम से अभियान शुरू करते हैं और सेनापति को वापस भारत बुलाकर भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास करते हैं। सेनापति के भारत वापस आने के बाद फिल्म में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म के जरिए भारत में हो रहे सिस्टम के भ्रष्टाचार को अच्छे से दिखाया गया है। यह एक मास्टरपीस मूवी है। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो। आई
आई लव यू सुपर। नंबर टू अम्मू। अम्मू 2022 में आए तेलुगु भाषा की ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसे चारू के शेखर ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में आपको ऐश्वर्या लक्ष्मी, नवीन चंद्र, बॉबी सिन्हा जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 67% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी अम्मू के इर्द गिर्द घूमती है। अम्मू अपने पड़ोस में रहने वाले रवि से शादी करती है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। रवि महारानीपल्ली थाने में सर्कल इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है। शुरू में वे दोनों प्यार से रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिल्म ट्विस्ट तो तब आता है जब रवि अम्मू के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देता है और अपने थाने के जूनियर पुलिस वालों के सामने उसका इंसल्ट करता है। अम्मू ये सब समय के साथ ठीक हो जाने की उम्मीद में रहती है, लेकिन दिन ब दिन रवि का अत्याचार बढ़ते जाता है। अब अम्मू उस सनकी रवि के साथ रहती है या उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करती है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म अच्छी है, आपको एक बार जरूर इंजॉय करना चाहिए। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हो। मैं मुन्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। नंबर वन मुंजिया। मुंजिया 2024 में आई हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में आपको सर्वरी, अभय वर्मा, सत्यराज, मोना सिंह जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 83% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो मुंजिया नाम का एक ब्रह्म राक्षस मुन्नी नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता है। बिट्टू जो एक डरपोक लड़का है जो हमेशा सामासा रहता है, उसके सपने पर उस ब्रह्म राक्षस मुंजिया का सपना आता है। वह ब्रह्म राक्षस कौन है, आखिर बिट्टू के ही सपने में क्यों आता है, उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक कॉमेडी और हॉरर से भरी फिल्म है। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप Disney+ Hotstar पर आसानी से देख सकते हो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी समीक्षाएं लाते रहते हैं।